अयोध्या में हुए सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को सोमवार को लखनऊ के केजीएमयू में भर्ती कराया गया था, मंगलवार को गर्भपात कराया गया है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के क्वीन मेरी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने यह गर्भपात कराया है। इस मामले पर केजीएमयू प्रशासन ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। हालांकि अस्पताल के सूत्रों तथा पीड़िता की मां ने मंगलवार को दोपहर गर्भपात होने की पुष्टि की है। इसके साथ ही पीड़िता के गर्भपात के बाद डीएनए जांच के लिए जांच अधिकारियों को भ्रूण सैंपल भी सौंप दिया गया है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की पहचान की जाएगी। उधर किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विपक्ष हुए आरोपी पक्ष भले ही डीएनए टेस्ट कराने की पुरजोर मांग कर रहा है, लेकिन सिर्फ डीएनए टेस्ट के आधार पर ही आरोपी सपा नेता नहीं बच सकेगा। दोनों में किसी एक आरोपी का भी अगर डीएनए मैच होता है तो दोनों ही कार्रवाई की जद में आएंगे। विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल होगी और कोर्ट से अंतिम फैसला होगा। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में बेकरी मालिक व सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष मुईद खान और उनके नौकर सीतापुर निवासी राजू के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। उनकी संपत्तियों को अवैध बताकर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। वहीं दुष्कर्म के बाद किशोरी के गर्भ में 12 सप्ताह का भ्रूण भी पल रहा था, जिसका लखनऊ के केजीएमयू के क्वीन मेरी अस्पताल में गर्भपात कराया गया है। बता दें कि दुष्कर्म पीड़िता को सोमवार को अयोध्या से केजीएमयू के लिए रेफर किया गया था। उसके साथ सीएमओ के साथ ही अन्य अधिकारी भी आए थे। केजीएमयू में डॉक्टरों की टीम ने उसका परीक्षण किया तथा सब कुछ नॉर्मल होने पर मंगलवार को उसका गर्भपात कराया। इस मामले में पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी। पीड़िता को 12 सप्ताह का गर्भ था, इसलिए गर्भपात में कोई कानूनी अड़चन नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 24 सप्ताह तक के समय में गर्भपात किया जा सकता है। पूर्व में यह अवधि 20 सप्ताह थी। इसको देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने गर्भपात करने का फैसला किया है। गर्भपात के बाद लड़की की हालत सामान्य है। उम्मीद है कि जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। अब सवाल यह है कि पीड़िता के गर्भपात के बाद क्या ये केस खत्म हो जाएगा या इसके आगे भी इसमें कुछ होगा? इस सवाल का जवाब तो आने वाला समय बताएगा।